केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 स्टार एयर फ्लाइट के साथ डोमेस्टिक यात्रा के लिए खुल गया है। अन्य डोमेस्टिक एयरलाइनों द्वारा बेंगलुरु एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से आने जाने के लिए चरणबद्ध तरीके से अपनी सेवाएं शुरू करने की उम्मीद है, जिसके बाद आने वाले महीनों में इंटरनेशनल एयरलाइंस शुरू होंगी। बेंगलुरु स्मार्ट होम और घर के मालिक की बहादुरी से लूट की कोशिश नाकाम, 7 का गिरोह गिरफ्तार। 7 डकैतों के एक समूह को बेंगलुरु पुलिस ने शनिवार 14 जनवरी की तड़के कनकपुरा रोड पर एक महलनुमा घर को लूटने का प्रयास करते हुए गिरफ्तार किया। घर के निवासी एक बुजुर्ग व्यक्ति और उनके 2 बेटे कथित तौर पर 5 डकैतों को मात देने में कामयाब रहे, जो धातु की छड़ों और चाकुओं से लैस होकर घर में घुसे थे। अपने फोन पर अपने घर के लाइव CCTV फीड और एक लाइसेंसी बंदूक का इस्तेमाल कर रहे थे। 75वां सेना दिवस बेंगलुरु में आज भव्य परेड के साथ मनाया गया। 75वीं सेना दिवस परेड आज बेंगलुरु के मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप और केंद्र के परेड ग्राउंड में आयोजित की गई, जो परंपरा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। 1949 के बाद पहली बार भारतीय सेना दिवस परेड को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से बेंगलुरु स्थानांतरित किया गया। परेड को दिल्ली से बेंगलुरु स्थानांतरित करने का निर्णय देश के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय सेना की क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए किया गया था। मैसूर सिटी पुलिस ने शनिवार को विजयनगर पुलिस थाने में एक महिला द्वारा दायर बलात्कार और उत्पीड़न के मामले सहित 28 मामलों में वांछित केस मंजुनाथ उर्फ संतरो रवि और उसके 2 सहयोगियों श्रुतेश और रामजी को 6 अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया। न्यायाधीश गुरुराज ने आरोपी को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मानव तस्करी में सरगना होने के आरोपी सेंट्रो रवि को शुक्रवार को गुजरात के अहमदाबाद में गिरफ्तार किया गया। मंगलुरु में कुकर में हुए विस्फोट में घायल हुए ऑटो रिक्शा चालक को शनिवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। 19 नवंबर को नागोरी के पास एक चलते ऑटो रिक्शा में कुकर में विस्फोट के बाद पुरुषोत्तम पुजारी का इलाज चल रहा था। पुजारी और उनके परिवार को एक किराए के घर में स्थानांतरित कर दिया गया है। NIA फिलहाल विस्फोट मामले की जाँच कर रही है। कर्नाटक कुछ महीनों में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले 17 फरवरी को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा पेश किए जाने वाले राज्य के बजट में महिलाओं को अपने घरों की देखभाल के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की जाएगी। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए CM ने कहा कि परिवार की महिला मुखियाओं को अपना घर चलाने के लिए दिन प्रतिदिन की जरूरतों और चिकित्सा खर्चों का ध्यान रखने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। आवंटन ₹1,000 से ₹3,000 के बीच हो सकता है। हम विवरण और संसाधन जुटाने पर काम कर रहे हैं। CM ने कहा कि सरकार राज्य में लगभग 500,000 महिलाओं के लिए स्वरोजगार पैदा करने के लिए इस महीने स्त्री समर्थ योजना शुरू करेगी। मैसूरू KPCC के प्रवक्ता M. लक्ष्मण ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बलात्कार के आरोपी सेंट्रो रवि की गिरफ्तारी ने सरकार में खलबली मचा दी है, क्योंकि मुंबई गए नेताओं के वीडियो राजनेताओं और शीर्ष अधिकारियों के बच्चे सामने आ सकते हैं। उन्होंने कहा, इसने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को सेंट्रो रवि को हाई प्रोफाइल मामला माना है। शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि सरकार को संत्रो रवि के साथ सार्वजनिक जीवन और उच्च पदों पर रहे संबंधों को सार्वजनिक करना चाहिए। बेलगावी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी को धमकी भरे फोन आने के एक दिन बाद महाराष्ट्र पुलिस की एक टीम एक कुख्यात गैंगस्टर से पूछताछ करने के लिए बेलगावी की हिंडालगा जेल पहुंची, जिस पर इसके पीछे होने का संदेह है। शनिवार को नागपुर के खामला इलाके में जनसंपर्क कार्यालय में एक कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाले ने दाऊद इब्राहिम गिरोह का सदस्य होने का दावा किया और 100 करोड़ रुपए की मांग की। नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने आज कहा, हमारी टीम एक व्यक्ति से पूछताछ कर रही है, जांच प्राथमिक चरण में है।